हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय बजट 2019-20 यूनियन बजट, जो भारत सरकार के द्वारा जो आपके फरवरी 2019 में और आपके जुलाई 2019 में जो बजट पेश किए गए थे, उस बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि आज सीजीपीएससी ई पाठशाला के टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी डेट है। 15 अक्टूबर आपके रजिस्ट्रेशन का डेट डिसाइड किया गया था लास्ट डेट, तो आज सीजीपीएससी ई पाठशाला के रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है। ठीक, ऐसा नहीं कि इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन आपको कुछ लेट फी पे करना पड़ेगा। डेढ़ महीने का समय दिया गया था, सफिशिएंट टाइम दिया गया था आप लोग को सोचने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद भी 15 अक्टूबर के बाद भी रजिस्ट्रेशन होंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा कल एक वीडियो आएगा। फिलहाल टेस्ट सीरीज में हम रैंकिंग सिस्टम लाने का भी मैं प्लानिंग कर रहा हूं, उसमें आप लोग की ही हेल्प चाहिए रहेगी। आप अपने तरफ से आप अपना कुछ हेल्प करेंगे तब आपका भी एक रैंक बना करके मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक, कल एक वीडियो आएगा, कल के वीडियो में बता दिया जाएगा कि रैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से रहेगा, कैसे आपको आपके मार्क्स सबमिट करने हैं और आपकी रैंक आपको कैसे पता चलेगी, वो सारा का सारा एक प्रोसीजर वीडियो कल आपको मॉर्निंग के टाइम या मॉर्निंग या इवनिंग तक आपको उसका एक प्रोसीजर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए बजट 2019-20 बजट 2019-20 सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बजट के इतिहास के ऊपर। भारत में जो बजटीय प्रणाली लाई गई उसका इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास में जो भारत में जो बजट पद्धति आई आपके वायसराय कैनिंग के समय में, भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग के समय में भारत में आपकी बजटीय पद्धति आई। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके इकोनॉमिक्स का प्रश्न नहीं बन सकता, ये आपके इंडियन हिस्ट्री का प्रश्न बन सकता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में बजटीय प्रणाली की शुरुआत कब से हुई, तो ये शुरुआत हुई थी वर्ष 1860 में वायसराय कैनिंग के समय। इंपॉर्टेंट है, वायसराय का नाम याद रखिएगा, कब आया था 1860 में वायसराय कैनिंग के समय जेम्स विलियम ने भारत का प्रथम बजट पेश किया था। दोनों का नाम याद रखिएगा, वायसराय कैनिंग और जेम्स विलियम जिसने 1860 में भारत का प्रथम बजट पेश किया था। किस वायसराय के समय में आया था, कैनिंग के समय में। अब देखिए, भारत का पहला बजट स्वतंत्र भारत का पहला बजट, जब भारत को जब आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 के बाद, यानी स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था आपका आर के षणमुखम के द्वारा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, यानी आजादी के बाद भारत का पहला बजट पेश किया गया था आपके आर के षणमुखम के द्वारा वर्ष 1947 में। दूसरा, गणतंत्र भारत का पहला बजट मतलब जब भारत का संविधान बन चुका था, भारत के संविधान निर्माण के पश्चात। देखिए, हम 15 अगस्त को मनाते स्वतंत्रता दिवस, आपका जनवरी को मनाते हम गणतंत्र दिवस। ठीक, देखिए, तो ये जो आपका जो गणतंत्र भारत का कहने का मतलब यह है कि जब हमारा संविधान का निर्माण हो चुका था, तो संविधान निर्माण के पश्चात भारत एक गणराज्य बना, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो याद रखिएगा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया, यानी बजट को एक संवैधानिक स्वरूप मिला। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को एक आपका संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत उसे शामिल किया गया। तो देखिए, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था आपका वर्ष 1950 को, और किसके द्वारा पेश किया गया था, जॉन मथाई के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, प्रश्न शायद बन सकते हैं, पहले आते थे, अभी ऐसे प्रश्न नहीं आ सकते, लेकिन हो सकता है कभी भी एग्जाम में काफी समय से ऐसे प्रश्न नहीं आए तो पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक प्रावधान, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इस बजट को शामिल किया गया है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आपका वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब वार्षिक लेखा जोखा, आय और व्यय के लेखा जोखा के बारे में बताया गया है, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं बजट। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में पूछा गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो वो है आपके अनुच्छेद 112। बजट नहीं बताया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है आपके अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट अब समझिएगा रेल बजट का कुछ इतिहास है, उसको समझ लीजिए। रेल बजट आपका जब देखिए, भारत बजट की शुरुआत कब से हो चुकी थी, भारत बजट की शुरुआत हो चुकी थी आपके 1860 से, 1860 से लेकर के अब देखिए 1947 तक अंग्रेजों के शासनकाल रहा है। तो उस बीच में ही देखिए, वर्ष 1924
वर्ष 1924 यानी अंग्रेजों के शासनकाल के समय ही। देखिए पहले क्या होता था कि जो आपका आम बजट है, आम बजट के अंतर्गत ही रेल बजट पेश किया जाता था। आप सभी को मालूम है आम बजट के अंतर्गत रेल बजट, कृषि बजट, आपके बहुत सारे बजट पेश किए जाते हैं, रक्षा बजट, ये सारे बजट एक ही बजट के अंतर्गत पेश किए जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों के ही शासनकाल में वर्ष 1924 में यानी जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय की बात कर रहे हैं, वर्ष 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया। यानी एक आम बजट पेश किया जाता था, उससे अलग सेपरेट करके रेल बजट भी पेश किया जाता था। वर्ष 1924 से लेकर के वर्ष 2016 तक, 1924 से लेकर के 2016 तक आम बजट से पृथक रेल बजट पेश किया जाता था। आम बजट और रेल बजट दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे। लेकिन वर्ष 2016 एक नई समिति आई, देवरॉय समिति। वर्ष 2016 में देवरॉय समिति ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर आपका जो रेल बजट है, रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया। यानी आम बजट में ही पहले की ही तरह रेल बजट को प्रस्तुत किए जाने की उसने सिफारिश करी। तो 2016 में इसने अपनी सिफारिश दी और 2017 में पहली बार रेल बजट आम बजट के साथ संयुक्त रूप से पेश किया गया। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। एक वर्ष समिति से प्रश्न पूछा जा चुका है, इससे भी प्रश्न पूछा जाना बाकी है, मे बी इससे प्रश्न बन सकता है। ठीक, तो एकवर्थ समिति 1924, देवरॉय समिति 2016, पृथक रूप से रेल बजट और आम बजट को संयुक्त रूप से पेश किया जाना प्रारंभ किया गया 2017 से भारत में। ठीक, देखिए अब बजट 2019-20, अभी जो वर्तमान में जो इस बार जो बजट पेश किया गया है इस साल, उस पर देखिए बजट इस बार दो प्रकार से बजट पेश किए गए हैं। आप सभी को मालूम है आपका बजट एक पेश किया गया था फरवरी में, दूसरा बजट पेश किया गया था आपके जुलाई में। जो आपका फरवरी में देखिए 1 फरवरी 2019 को एक बजट पेश किया गया था, वो बजट उस समय हमारे जो वर्तमान जो वित्त मंत्री थे वो थे आपके, मतलब तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे वो थे आपके अरुण जेटली, लेकिन कुछ उनकी हेल्थ इश्यू होने के कारण पीयूष गोयल को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था बजट पेश करने के लिए। ठीक, तो देखिए जो आपका फरवरी 2019 और ये जो जुलाई 5 जुलाई 2019 को जो बजट पेश हुआ वो दोनों अलग अलग है। देखिए फरवरी 2019 को जो बजट पेश हुआ वो अंतरिम बजट था, जबकि 5 जुलाई 2019 को जो बजट पेश हुआ वो आम बजट था। अब ये अंतरिम बजट और आम बजट होता क्या है समझिएगा। आप सभी को मालूम है कि इस साल भारत में आपके लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव यानी भारत में नई सरकार बनकर आने वाली थी। तो जब एक पुरानी सरकार जाने वाली है और एक नई सरकार बनकर आने वाली है, तो पहले से ही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि जो वर्तमान में सरकार है वही सरकार दोबारा बनकर के आएगी। यानी वो इस साल के बजट में किसी भी प्रकार की नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती, नई प्रकार के नीतिगत फैसले नहीं ले सकती। तो इस कंडीशन पे जब पता रहता है जिस साल लोकसभा चुनाव होने वाले रहते हैं उस साल जो तत्कालीन सरकार रहती है वो अंतरिम बजट पेश करती है। अंतरिम बजट जो कि सरकारी खर्चों के लिए, लोगों के वेतन के लिए और सरकार को जब तक चुनाव नहीं हो जाते, चुनाव तक अपने खर्चे के लिए जो बजट पेश किया जाता है वो कहलाता है अंतरिम बजट। यानी एक छोटे अवधि के लिए जो बजट पेश किया जाता है सरकार के खर्चों के लिए। देखिए लेखानुदान का कॉन्सेप्ट अलग है, इसे लेखानुदान से रिलेट मत कीजिएगा। अंतरिम बजट का संविधान में उल्लेख है ही नहीं, अंतरिम बजट का उल्लेख संविधान में है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट लाया कौन वो भी बताऊंगा आपको आगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो छोटी अवधि के लिए, जो सरकारी खर्चे के लिए जो आपके बजट पेश किए जाते हैं वो कहलाता है आपका अंतरिम बजट। में किसी प्रकार के आपके नीतिगत फैसले नहीं लिए जाते और ना ही किसी प्रकार के नई योजनाओं की घोषणा की जाती है। ठीक, देखिए ये जो आपके अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट आपके पीयूष गोयल ने पेश किया था। याद रखिएगा ये जो शब्द है अंतरिम बजट का, ये जो शब्द है वो अंतरिम बजट का शब्द सबसे पहले दिया था आपके इन्हीं ने, आर के षणमुखम ने शब्द दिया था, पहली बार शब्द दिया था कि अंतरिम बजट ऐसा हो सकता है। लेकिन ये देखिए ये संवैधानिक, उस समय हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, इसलिए इसको मतलब उतनी तरीके से अंतरिम बजट के तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन शब्द इन्होंने जरूर दिया था। नेक्स्ट है, पहली बार भारत में जब आपके संवैधानिक, आपका संवैधानिक प्रावधान के तौर पर शामिल कर लिया गया आपके बजट को, उसके बाद पहली बार अंतरिम बजट पेश किया था आपके मोरारजी देसाई ने। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, भारत का पहला अंतरिम बजट पेश किया था आपके मोरारजी देसाई ने। अब समझिएगा, अब फिर आपके लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव होने के बाद भारत में नई सरकार दोबारा आपकी बीजेपी की सरकार बनकर के आई। तो अब जो नई सरकार बनकर के आई तो उससे उसने फिर
से दोबारा एक आम बजट पेश किया। आम बजट जो पूरे एक साल के आय और व्यय के लेखा जोखा होता है और नई योजनाओं की घोषणा इसमें सरकार करती है, कई प्रकार के नीतिगत फैसले भी ले सकती है। ठीक, देखिए 5 जुलाई 2019 को आम बजट पेश किया गया। देखिए अंतरिम बजट में कोई भी नई योजनाओं का प्रारंभ नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे सरकार बोल सकती है कि हम यदि हमारी सरकार दोबारा बनकर के आई तो हम यह योजनाएं लाएंगे, लेकिन ये योजनाएं आएगा ही, यानी किसी भी प्रकार की नई सरकारों पर अपनी योजनाओं को थोपा नहीं जा सकता। ठीक, याद रखिएगा 5 जुलाई 2019 को आम बजट आया। आम बजट पेश किया आपकी निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को भारत का बजट पेश किया। अब समझिएगा, जो निर्मला सीतारमण भारत का बजट पेश करने वाली भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। प्रश्न कैसा पूछा जाएगा समझिएगा, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो वो है आपकी निर्मला सीतारमण। बजट पेश करने वाली भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। यदि प्रश्न पूछा गया कि भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा वो थी आपकी इंदिरा गांधी। समझिएगा, पूर्णकालिक और ये जो इंदिरा गांधी, इसमें अंतर क्या है? ये जो आपकी इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी वर्ष 1970 के आसपास आपकी भारत की प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री के तौर पर इन्हें वित्त मंत्रालय का, वित्त विभाग का या वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप अरुण जेटली जो थे, अरुण जेटली के स्थान पर पीयूष गोयल को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, वैसे ही यहाँ पर आपके इंदिरा गांधी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तो याद रखिएगा, ये आपकी पूर्णकालिक नहीं थी इंदिरा गांधी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत की पहली आपकी महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो उसमें जरूर उसका आंसर होगा इंदिरा गांधी, लेकिन पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वो है आपकी निर्मला सीतारमण। अब समझिएगा, भारत में सर्वाधिक आम बजट पेश किए जाने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है, तो वो भी है मोरारजी देसाई ने लगभग 10 बार भारत का बजट पेश किया है, जिसमें से 6 बार उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर, 2 बार अंतरिम बजट और 2 बार उप प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने यह बजट पेश किया था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, भारत में जो बजट पेश किया जाता है वो आपका एक लाल लेदर के बैग के अंदर जो डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं उसे कहा जाता था बजट, लेकिन ये परंपरा को अब तोड़ा गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार, देखिए जो बजट शब्द है ये आपके फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी शब्द है, इस परंपरा को तोड़ा गया। इस बार जो बजट, जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, वो बजट एक लाल कलर के कपड़े में लपेट कर, जिसपे आपके भारत का जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, जो अशोक का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उस राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ एक लाल कपड़े के अंदर एक धागे से बंधा हुआ था, जिसे नाम दिया गया बही खाता। तो याद रखिएगा, इस बार जो बजट पेश किया गया था वह बजट ना होकर के भारत का बही खाता था। आप सभी को मालूम है कि भारतीय परंपरा में बही खाता जो कि आय और व्यय का लेखा जोखा ही होता है, तो इस बार जो बजट पेश किया गया था वह बजट ना होकर के एक बही खाता था। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, काफी हाईलाइट में था। देखिए आज का वीडियो शायद थोड़ा लंबा बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बजट आपको एक ही बार पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे टाइप के इसके 2-3 पार्ट नहीं आएंगे और मैं 2-3 पार्ट बनाना भी नहीं चाहता। वीडियो में भी पॉसिबल थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सारा बजट आज के एक वीडियो में हम कवर कर देंगे, समझिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए इस बार के बजट में कुछ रैंकिंग बताई गई है, उस रैंकिंग को समझ लीजिए। देखिए 2.7 ट्रिलियन US डॉलर के साथ भारत विश्व की 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। समझिएगा, जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था उस बजटीय भाषण के दौरान उन्होंने यह कहा है कि भारत 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ विश्व की 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसमें एक चीज और है, उसको अभी थोड़ा बताता हूँ, समझिएगा। अभी वर्तमान में जो भारत का जो आपका GDP है वो है आपका 2.73 ट्रिलियन US डॉलर। ठीक, अब ये जो है भारत, उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस अभी वर्ष 2019-20 में भारत 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और इसी वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था आपकी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकती है, और 2025 तक भारत का जो आपका अर्थव्यवस्था है उसे 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। यदि भारत का, यदि जो आपका GDP ग्रोथ रेट है वो 8%
के आसपास हो, लेकिन ये फिलहाल पॉसिबल तो दिख नहीं रहा है। 2017-18 में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो था आपका 7.2% और 18-19 में यही घटकर हो गया है आपका 6.8%, ठीक। लेकिन 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यू आपके 8% ऑन एन एवरेज 8% होना जरूरी है, ठीक। अब समझना, ये जो आपका बजट पेश किया गया था, ये पेश किया गया था आपके जुलाई में, उस समय भारत विश्व की 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी आपके अगस्त में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार भारत विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक। भारत विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, समझते चलिएगा। सेम 2.73 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। बजट पहले आया, बजट के बाद विश्व बैंक की रैंकिंग आई जिसमें भारत विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दोनों अलग अलग है। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है उसे देखते हुए हमें आंसर लगाना है। विश्व बैंक की रैंकिंग पूछी तो भारत विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, बजट के बाद विश्व बैंक की रैंकिंग आई। यदि बजट से संबंधित आपके कूट आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें बजट के आंकड़े दिए गए हैं तो उसमें आपको 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था लगाना है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये चीज को मैंने आपके जो पीडीएफ बनाया गया है उसमें भी मैंने 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है, क्यों, विश्व बैंक की रैंकिंग के अनुसार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपके क्रय शक्ति समता, परचेसिंग पावर पैरिटी। क्रय शक्ति समता के आधार पर, ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है क्रय शक्ति समता, इसे आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय एक में हम पहले ही कवर कर चुके हैं, समझिएगा। क्रय शक्ति समता, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत जो है विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक। ये दोनों आंकड़ों को याद रखिए। नेक्स्ट है आपके घरेलू विमानन यानी डोमेस्टिक एविएशन। घरेलू विमानन का मतलब देखिए, जो एरोप्लेन, जो आपके जो फ्लाइट्स है, जो राज्यों के मध्य जो उड़ाने होती है उन्हें कहा जाता है घरेलू उड़ाने या आपके घरेलू विमानन या डोमेस्टिक एविएशन। जो आपके एक देश से दूसरे देश जो फ्लाइट्स जाती है, जो एरोप्लेन्स आपके एक देश से दूसरे देश जाते हैं, जैसे भारत से दुबई चले गया, भारत से अमेरिका चले गया, वो कहलाता है आपका इंटरनेशनल एविएशन, अंतरराष्ट्रीय विमानन। घरेलू विमानन यानी समझ लीजिए आपके ये रायपुर से आपका दिल्ली गया, रायपुर से आपका नागपुर गया, रायपुर से हैदराबाद की जो फ्लाइट्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं डोमेस्टिक एविएशन या घरेलू विमानन। तो इस घरेलू विमानन के आधार पर भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये रैंकिंग, ये बजट में अलग से हाईलाइट किया गया है उड़ान योजना के अंतर्गत कि घरेलू विमान या डोमेस्टिक एविएशन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, ठीक। नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, चीन के बाद मत्स्य उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, ये रैंकिंग भी याद रखिएगा। विश्व में जो मछली का उत्पादन होता है, वैश्विक उत्पादन का 6.3% उत्पादन हमारे भारत में होता है। वैश्विक मत्स्य उत्पादन का 6.3% मत्स्य उत्पादन हमारे इंडिया में होता है। ये प्री में पूछा जाएगा कि नहीं, इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मेंस के आंसर राइटिंग में आंकड़े आपके काम आएंगे यदि कृषि संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तब, ठीक। औसत वृद्धि, इसमें जो औसत वार्षिक वृद्धि है वो दर्ज की गई है 7% से अधिक, 7%+, 7% से अधिक इसमें औसत वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए, जब भारत आपके मत्स्य उत्पादन के मामले पे विश्व का दूसरा बड़ा देश है, दूसरा बड़ा राष्ट्र है, तो इसलिए भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि मत्स्य पालन के लिए एक अलग से विभाग का गठन किया जाएगा। विभाग अभी बना नहीं है, लेकिन विभाग बनाए जाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मत्स्य पालन के लिए अलग से भारत सरकार ने अलग से विभाग बनाए जाने की घोषणा की है इस बार के बजट 2019-20 में, ठीक। अब समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए काम आ सकते हैं, समझिए। राजकोषीय घाटा, भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपका 3.4% रहा, 3.4% रहा, जबकि बजट 2019-20 में या वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए यही रोज राजकोषीय घाटा आपका 3.3% रहना अनुमानित है। पिछले 5 वर्षों में यह राजकोषीय घाटा लगातार कम होते आ रहा है। देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिछले 5 वर्षों में इस राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति क्या रही, बढ़ने की, घटने की, या आपका ऐसे अगर प्रश्न आता है, 2-3 ऑप्शन रहे तो उसमें याद रखिएगा लगातार घटने की प्रवृत्ति इसमें रही है, ठीक। तो ये आंकड़े याद रखिएगा, ये जो आपका राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3.4% रहा, जबकि 19-20 में 3.3% रहना अनुमानित है। जीडीपी का 3.3% रहना अनुमानित है। वर्ष कौन सा पूछ रहा है उसके आधार पर अपना ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है राजस्व घाटा, जो कि आपके जीडीपी का 2.3% है, ठीक। उसके अलावा प्राथमिक घाटा, जो कि जीडीपी का 0.2% रहेगा, ठीक है। अब समझिएगा, अब ये जो भारत सरकार का जो बजट है, बजट जो पेश किया है, तो उसमें ये बताया गया है कि भारत सरकार के पास जो पैसा है, पैसा कहाँ कहाँ से आता है, और भारत सरकार के पास पैसा आया तो वही पैसा कहाँ कहाँ जाता है, समझिएगा। यानी एक तरीके से सरकार की आय या पैसा आया भारत सरकार के पास, जो मान लीजिए एक हम 100% लेकर के चल रहे हैं, भारत के पास जो भी आपका पैसा है, देखिए 2.73 ट्रिलियन डॉलर बोलिए, या लगभग आपका 28 लाख करोड़ के आसपास का कुछ बजट का आकार था, तो उसको यदि हम लेके चल रहे हैं आपका 100%, तो इस 100% में जो भारत सरकार के पास ये जो पैसा आया, तो आया कहाँ कहाँ से, तो याद रखिएगा भारत सरकार के पास जो पैसा आया उसका सबसे बड़ा हिस्सा है आपका निगम कर। निगम कर से 21%, देखिए भारत के पास जो पैसा आया, भारत सरकार के पास जो पैसा आया उसमें सबसे बड़ा हिस्सा, जो पैसा जो आया, सरकार की जो इनकम हुई, वो हुई है आपके निगम कर से 21%। दूसरा है उधार एवं अन्य देनदारियां 20%। तीसरे नंबर पर है जीडीपी से सरकार को 19% की इनकम हुई है। देखिए ये स्टार्टिंग के तीन याद रखिएगा, या तो आपको अधिक से कम में जमाइए, यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमाइए, पूछ सकता है, या डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रमुख स्रोत क्या है, आपका निगम कर है, या स्टार्टिंग में तीन की रैंकिंग पूछ सकता है, या जीडीपी से सरकार को कितने प्रतिशत आय हुई, तो देखिए आपके 19% के आसपास इनकम हुई, तो याद रखिएगा ठीक, आपका निगम कर 21%, उधार एवं अन्य देनदारियां, जैसे भारत सरकार जो ऋण वितरित करती है, राज्यों को जो ऋण देती है, तो उस ऋण के बदले जो राज्य भारत सरकार को जो पैसे देते हैं, ठीक, जो ब्याज देते हैं, वो कहलाता है उधार एवं अन्य देनदारियां, तो उससे सरकार को 20% की इनकम हुई। जीएसटी से सरकार को 19% की इनकम हुई, जबकि इनकम टैक्स यानी आयकर से भारत को 16% की इनकम हुई, भारत सरकार को 16% की आय हुई, यानी भारत सरकार के पास जो कुल जीडीपी है, कुल जीडीपी का लगभग 16% आपका इनकम टैक्स से उसको अर्निंग हुआ है, ठीक है। आप समझना, ये तो भारत सरकार के पास पैसा आया, लेकिन जो पैसा आया तो ये पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार तो रखेगा नहीं, उस पैसे को कहीं ना कहीं वितरित भी करेगा, समझिएगा। ये जो पैसा गया भारत सरकार के पास, ये जो पैसा आया था, उसमें से आपका 23% पैसा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, वित्त मंत्रालय जो, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो कुछ हिस्सा है वो राज्यों को भी भारत सरकार देती है, ठीक। तो वही बताया गया है करों और शुल्कों में जो राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है, तो इस कुल इनकम का 23% गया है आपका राज्यों को उनका हिस्सा देने में, जो टैक्स में और जो आपकी ड्यूटीज लगती है, कर और जो शुल्क रहते हैं उसमें जो राज्यों का हिस्सा हो रहता है, उस राज्यों को हिस्सा देने के लिए आपका 23% कुल अमाउंट का 23% राज्यों को हिस्सा देने में व्यय हुआ। ब्याज अदायगी जो भारत सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका IMF हो गया, इनसे जो लोन लेती है, ऋण लेती है, उसका ब्याज देने में आपका लगभग 18% पैसा वहां गया। तो ये थोड़ा रैंक याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्रोत आय का है निगम कर, उसके बाद है उधार एवं अन्य देनदारियां, GST और आयकर। इसका सीक्वेंस भी याद रखिएगा, सीक्वेंस के साथ साथ परसेंटेज भी याद रखिएगा। इसमें इस बार ये अलग से हाईलाइट है, अभी तक ये इस पोजीशन पे रहता था आपका ब्याज अदायगी, लेकिन GST आने के बाद सारे रैंकिंग चेंज हो चुके हैं। सरकार का जो सबसे बड़ा पैसा जो जाता था, वो पहले जाता था आपके ब्याज अदायगी में, लेकिन GST आने के बाद अब ये इसमें सरकार का जो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, वो जाता है आपके इसमें करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ठीक। अब समझिएगा, सरकार के पास पैसा आया और सरकार के पास से कुछ पैसा चले भी गया, लेकिन जो बचा हुआ पैसा है, समझिएगा, सरकार के पास कुछ पैसा आया और कुछ पैसा चले भी गया, मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपये की इनकम हुई, जिसमें से 30 रुपये जिसकी उधारी चुकानी थी, जिसको उसको हिस्सा देना था, उसमें चले गए 30 रुपये, तो सरकार के पास अब कितना बचा 70 रुपये। तो अब इस 70 रुपये को सरकार कहाँ कहाँ खर्च करेगी, कहाँ कहाँ व्यय करेगी, उसे समझिएगा। यानी बजट 2019-20 में शीर्ष आबंटन वाली मदे, समझिएगा, जो भारत सरकार के पास जो पैसा बचा हुआ, ठीक, सभी को वितरित करने के बाद पैसा आया पैसा गया, तो जो बचा हुआ पैसा है उसे सरकार किन किन क्षेत्रों में खर्च करेगी, समझिएगा। ब्याज अदायगी में देखिए सरकार का सबसे बड़ा जो पैसा जो आबंटित होता है,
भारत सरकार का जो सबसे बड़ा जो पैसा आवंटित होता है वो जाता है आपके ब्याज अदायगी में। ब्याज अदायगी के बाद कुल सब्सिडी के बाद रक्षा क्षेत्र के बाद जाता है पेंशन। देखिए भारत सरकार का 6.60 लाख करोड़ रुपए आपके ब्याज अदायगी में जाता है, कुल सब्सिडी में जाता है 3.38 लाख करोड़ रुपए, जबकि रक्षा क्षेत्र में इस बार रक्षा क्षेत्र का जो बजट पेश किया गया है वो 3.18 लाख करोड़ है, जबकि पेंशन में लोगों को पेंशन देने में सरकार के पास से जाते हैं 1.74 लाख करोड़। समझिएगा यहाँ क्या लिखा है, कुल सब्सिडी लिखा हुआ है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सरकार जो कुछ सामानों पर कुछ छूट देती है, छूट मतलब जैसे आप सभी को मालूम होगा गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी लगभग 800 रुपए के आसपास है, कुछ गैस सिलेंडर पड़ता है जो कि सब्सिडी के पास आपके पास 500 रुपए या 600 रुपए में आता है, जो बचा हुआ जो पैसा है वो आपको भारत सरकार सब्सिडी के तौर पर गैस एजेंसियों को देती है, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका सब्सिडी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुल सब्सिडी। देखिए यहाँ रैंकिंग चेंज हो जाएगी, अगर यहाँ कुल के जगह यहाँ पर अगर प्रमुख सब्सिडी आता है तो ये 3.1 के आसपास कुछ आंकड़े हैं, तो उस कंडीशन पे अगर यहाँ प्रमुख सब्सिडी है तो इस कंडीशन में ब्याज अदायगी पहले रहेगा, उसके बाद रक्षा रहेगा, फिर प्रमुख सब्सिडी आएगा, फिर पेंशन आएगा, लेकिन यहाँ क्या है, कुल सब्सिडी, ठीक, प्रमुख के साथ साथ जो अन्य सब्सिडी है उन सभी को ऐड करके पहले सर्वाधिक जो मद है, सर्वाधिक जो आवंटित होने वाली जो राशि है, जो मद जो व्यय होता है, जो जाता है, वो है आपके ब्याज अदायगी में, ब्याज अदायगी के बाद कुल सब्सिडी में, फिर रक्षा में, फिर उसके बाद पेंशन में। नीचे आंकड़े याद रखिएगा। अब समझिए सब्सिडी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार के द्वारा किस आपके क्षेत्र में सर्वाधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है, भारत सरकार के द्वारा किस मद में सर्वाधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो याद रखिएगा, देखिए सर्वाधिक सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है आपके खाद्य में। 3.38 लाख करोड़ में से 1.84 लाख करोड़ आपके खाद्य में ही आपके भारत सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, ठीक। उसके बाद जाता है आपके उर्वरक में, जबकि उर्वरक में आपका लगभग 80,000 करोड़ के आसपास आपका सब्सिडी प्रदान करती है। उसके बाद है आपका पेट्रोल, जिसमें 37,000 करोड़ के आसपास भारत सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। बस आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत सरकार सर्वाधिक सब्सिडी किस क्षेत्र में प्रदान करती है, तो वो है आपके खाद्य में आपके भारत सरकार सर्वाधिक सब्सिडी प्रदान करती है, ठीक। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है योजनाएं। भारत सरकार के द्वारा आपके जुलाई 2019 में जो बजट पेश किए गए उसमें कुछ योजनाओं की घोषणा की गई है, उसे समझिए। सबसे पहले नंबर पर है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें भारत सरकार ने लगभग 75,000 करोड़ के आसपास की राशि उसे आवंटित की है। इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन होंगे, दो हेक्टेयर तक के जो आपके लघु और सीमांत किसान परिवार है, ऐसे लघु या सीमांत किसान परिवार जिनके पास जो कृषि भूमि है वो दो हेक्टेयर या उससे कम है, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छः हजार रुपये प्रति वर्ष उन्हें सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जो कि उन्हें 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। वार्षिक आधार पर 3 किस्तों में 2,000 रुपये आपके किस्त के आधार पर, 3 किस्त में 2,000 रुपये करके 6,000 रुपये की राशि उन्हें प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। समझिएगा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो क्राइटेरिया क्या है, दो हेक्टेयर तक या 2 हेक्टेयर से कम कि जो कृषि भूमि वाले जो परिवार है, जो लघु या सीमांत कृषक परिवार है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा, जिन्हें 6,000 रुपये वार्षिक सहायता राशि भारत सरकार प्रदान करेगी। और ये जो वार्षिक सहायता राशि है 6,000 रुपये, जिसे 2,000 रुपये की 3 किस्तों में भारत सरकार उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 75,000 करोड़ रुपये की राशि इसमें आवंटित की गई है।
काफी इंपॉर्टेंट योजना है इस साल होने वाले किसी न किसी एग्जाम में, इस साल के एग्जाम में भी, अगले साल के भी एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, पीएससी और व्यापम में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना में देखिए, इस योजना के लाभार्थी कौन है? असंगठित क्षेत्र के कामगार। असंगठित क्षेत्र के कामगार मतलब संगठित क्षेत्र क्या होता है, जो आपके जैसे कोई गवर्नमेंट आपकी कंपनी, जैसे समझ लीजिए बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट में जो कर्मचारी होते हैं, या कोई भी आपके जो गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट के द्वारा जो आपकी संचालित की जाने वाली जो इंडस्ट्री है, वो आपके ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी संगठित क्षेत्र होते हैं। उन्हें रिटायरमेंट के बाद वो, उनको एक पर्टिकुलर सैलरी दी जाती है, सैलरी के बाद भी जब वो रिटायर होते हैं तो उन्हें पेंशन की भी सुविधा प्रदान की गई है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार है, उनकी जो सैलरी है, उनका इनकम का कोई निश्चित स्रोत नहीं रहता, कहीं पर ज्यादा सैलरी मिलती है, कहीं पर कम सैलरी मिलती है। यदि उनकी एक उम्र हो जाए तो उम्र होने के बाद पेंशन की भी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे लोग कहलाते हैं आपके असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत मान लीजिए कोई एक महिला है जो लोगों के घर घर जाके काम करती है, या फिर कोई आपके ठेका मजदूर है जो जाते हैं, जिनके जिनका इनकम का कोई एकदम निश्चित स्रोत नहीं होता, तो ऐसे लोग कहलाते हैं आपके असंगठित क्षेत्र। किसी इंडस्ट्री के बाहर काम करने वाले जैसे कोई प्यून है, तो ये सारे लोग आपके असंगठित क्षेत्र के कामगार के अंतर्गत शामिल है। तो इन लोगों को पेंशन देने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसका नाम है आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये लगभग आपके अटल पेंशन योजना के ही समान है, समझिएगा। असंगठित क्षेत्र के कामगार श्रमिक, जिनको मासिक, जिनकी मासिक जो आय है, समझिएगा इंपॉर्टेंट है, जिनकी मासिक आय, असंगठित क्षेत्र के कामगार श्रमिक तो होंगे ही, लेकिन जिनकी जो मासिक आय है वो 15,000 रुपए से कम है, 15,000 या उससे कम यदि उनकी मासिक आय है, तो उसे इस प्रधानमंत्री श्रमयोगी योजना का लाभ मिलेगा। और इसमें देखिए, इन्हें 60 साल की आयु के बाद, जो भी इस योजना का लाभ लेंगे उन्हें 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा। एक निश्चित राशि की अदायगी में प्रति माह, एक निश्चित राशि की अदायगी में उन्हें 60 साल के बाद 3,000 रुपए की राशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाएगी। अब समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति इस श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेना चाहता है और उसकी वर्तमान आयु यदि 18 वर्ष है, तो उसे भारत सरकार को इस योजना के अंतर्गत 55 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा। यदि उसी व्यक्ति की आयु 29 वर्ष है, तो उस कंडीशन में भारत सरकार को उसे 100 रुपए प्रति माह की राशि प्रदान करनी होगी, जिसके आधार पर 18 वर्ष से लेकर 60 साल तक उसे 55 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा, 29 वर्ष से लेकर के आपका नेक्स्ट 60 साल तक उसे आपके 100 रुपए प्रति माह की राशि प्रदान करनी पड़ेगी। ये डिपेंड करेगा कि वर्तमान में जो व्यक्ति जो इस योजना का लाभ उठा रहा है वो किस एज ग्रुप के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके आधार पर उन्हें 60 साल के बाद 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, ये कर्मयोगी है, ये श्रमयोगी है, दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों अलग है, समझिएगा। इसके अंतर्गत आपके छोटे दुकानदारों, छोटे दुकानदारों मतलब रिटेलर और शॉपकीपर, छोटे दुकानदारों, रिटेलर या शॉपकीपर, या जो आपके खुदरा विक्रेता है, जो छोटे छोटे जो दुकान खोल के जो लोग अपने जीवन व्यापन करते हैं, तो ऐसे लोगों को इस प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना का, कर्मयोगी मानधन योजना का लाभ मिलेगा। जिनका सालाना टर्नओवर, समझिए क्राइटेरिया क्या है, जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, सालाना जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम है, ऐसी लोगों को इस प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का लाभ मिलेगा, जिन्हें पेंशन भारत सरकार प्रदान करेगी। अभी इस पर भारत सरकार ने कोई क्लियरली कोई घोषणा नहीं करी है, लेकिन इसमें बताया गया है इस बार के बजट में कि भारत सरकार यह प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना लाने वाली है, जो कि छोटे दुकानदारों, रिटेलरों और शॉपकीपरों, जो खुदरा विक्रेता है, उन लोगों के लिए योजना होगी जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, ठीक है, उनके लिए पेंशन फैसिलिटी भारत सरकार लाने वाली है। अब ये तो कुछ योजनाएं हो गई, अब इस बार के बजट के कुछ मुख्य बिंदु है उसे समझते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है यहां से, ठीक। देखिए काफ़ी कम जगह है, काफ़ी अक्षर यहाँ पे छोटे होंगे, थोड़ा समझते चलिएगा, ठीक। जो जो बता रहा हूँ उस चीज़ को नोट डाउन करते चलिए। पहले नंबर पर है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। भारत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में जो आपके निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजटीय भाषण दिया गया, उसमें बताया गया है कि FDI भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत में 64
64.4 बिलियन US डॉलर, 64.4 बिलियन US डॉलर यानी 64.4 US बिलियन डॉलर का भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत में 64.4 US बिलियन डॉलर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, आंकड़े याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गांधीपीडिया, गांधीपीडिया और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। गांधीपीडिया महात्मा गांधी की विचारधाराओं, जैसे आप सभी देखे होंगे विकिपीडिया, गूगल में आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन में आपका विकिपीडिया का ही आंसर दिखाता है। तो विकिपीडिया के तर्ज पर ही बनाया जा रहा है आपका गांधीपीडिया, जिसमें महात्मा गांधी की विचारों का वहां पे संकलन होगा, जो कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह गांधीपीडिया लाया जा रहा है। उसके अलावा है आपका राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, जिसे राजघाट में दिल्ली के ही समीप, आपके दिल्ली में ही आपके राजघाट में एक राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र खोला जाएगा इस साल। नेक्स्ट मनरेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के द्वारा जो पिछले बजट में आपके 55,000 करोड़ के आसपास मनरेगा के लिए धनराशि आवंटित की गई थी, वहीं इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के द्वारा मनरेगा के लिए आपके 60,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मनरेगा से प्रश्न पूछा जाता है और आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी ये डाटा काम आएगा कि भारत सरकार के द्वारा बजट में आपके 60,000 करोड़ के जो राशि है वो मनरेगा के लिए आवंटित की गई है। नेक्स्ट समझिएगा, स्वयं सहायता समूह, ये जो है स्वयं सहायता समूह की महिला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार के बजट का सबसे ज़्यादा हाईलाइट वाला पॉइंट यही था। देखिए, स्वयं सहायता समूह, आप सभी को मालूम होगा कि महिलाओं का एक ग्रुप होता है स्वयं सहायता समूह। आप छत्तीसगढ़ में भी आप जो ये किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप ये स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़े ही होंगे। देखिए, स्वयं सहायता समूह जो एक महिलाओं का ग्रुप होता है, जो या तो छोटे स्तर पर आपके कुछ रोजगार चलाती है, स्वरोजगार कार्यक्रम चलाती है, और भारत सरकार के द्वारा इन्हें कुछ फंड भी प्रदान किया जाता है। तो इस बार टारगेट किया गया है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। समझिएगा, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिनके पास जनधन खाता है, जो आपका प्रधानमंत्री, जो आपका जनधन खाता है, जिन महिलाओं के पास, स्वयं सहायता समूह की बात चल रही है, स्वयं सहायता समूह की ऐसी महिलाएं जिनके पास स्वयं का जो बैंक अकाउंट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत स्वयं का एक बैंक अकाउंट है, उन्हें उनके बैंक अकाउंट से ही 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रदान की जाएगी। 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब एक तरीके से आप इसे समझ लीजिए शॉर्ट टर्म लोन, यानी कुछ समय के लिए उन्हें बैंक से 5,000 रुपये एज अ लोन मिल सकता है। वैसे ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, कॉन्सेप्ट बताने जाऊंगा तो वीडियो और लंबा बन जाएगा। बस इतना समझ लीजिए एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन है। तो ऐसी स्वयं सहायता समूह की ऐसी महिलाएं जिनका स्वयं का प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत स्वयं का खाता खोला गया है, तो उन महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत, मतलब इस बार के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि जनधन खाताधारी महिलाओं को 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। किन महिलाओं को? जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। दूसरा, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का जो ग्रुप होता है, तो उस स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के ग्रुप में से किसी एक महिला को, देखिए यहाँ एक लिखा है, किसी एक महिला को मुद्रा योजना के अंतर्गत 1,00,000 रुपये की राशि ऋण के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे के पूरे स्वयं सहायता समूह को नहीं, देखिए स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाएं जिनके पास प्रधानमंत्री जनधन खाता मौजूद है, उन सभी महिलाओं को 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रदान की जाएगी, लेकिन मुद्रा योजना के अंतर्गत उस स्वयं सहायता समूह की किसी एक महिला को मुद्रा योजना के अंतर्गत भारत सरकार 1,00,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। जनधन खाते में आपकी सभी महिलाएं शामिल होगी स्वयं सहायता समूह की, जबकि आपके जो आपका मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना के अंतर्गत किसी एक महिला को ही भारत सरकार आपका 1,00,000 रुपये तक का ऋण देगा। ठीक, नेक्स्ट एक आंकड़े और सामने आए हैं। भारत सरकार के द्वारा जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो आपकी मुद्रा योजना के अंतर्गत जो ऋण प्रदान किया गया, उस ऋण में मुद्रा योजना की जो सर्वाधिक लाभार्थी है, 70% लाभार्थी आपकी महिलाएं हैं। मुद्रा योजना की 70% लाभार्थी आपकी महिलाएं हैं, ये आंकड़े निकल के सामने आए हैं। मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। यदि महिला सशक्तिकरण से यदि प्रश्न पूछा गया कि महिला सशक्तिकरण में सरकार की क्या योजनाएं चल रही है, तो उसमें आप ये 70% आपकी मुद्रा योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का 22वां एम्स, जो आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक, एम्स जो हमारा रायपुर में भी एक एम्स है, वही उसी की बात चल रही है। ऑल इंडिया
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। देखिए भारत में अभी तक आपके 21 एम्स संचालित थे, भारत का 20वां एम्स खोला जा रहा है आपके हरियाणा में। इसकी घोषणा इस बार के बजट में की गई है कि भारत का जो एम्स है वो आपके हरियाणा में खुलेगा। नेक्स्ट है जल शक्ति मिशन। आप सभी को मालूम है कि भारत सरकार के द्वारा इस बार एक नया मंत्रालय खोला गया है, जल शक्ति मंत्रालय, उसी के अंतर्गत लाया गया है जल शक्ति मिशन। इस जल शक्ति मिशन के अंतर्गत देखिए ऐसे जो आपके ब्लॉक या ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पे जो उसका जमीनी भू स्तर जल काफी कम हो चुका है, उन क्षेत्रों को इसमें मेन टारगेट किया गया था। इस जल शक्ति अभियान के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ के दो जिले शामिल है, बालोद और आपके रायपुर। पूरे भारत भर में से इसमें लगभग 256 के आसपास कुछ आपके जिले शामिल किए गए। देखिए आंकड़ों पर मैं नहीं जाऊंगा, पहले 256 था, अभी 255 हो चुका है, इसके बाद आंकड़े कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत के लगभग 256 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक, तो देखिए इसी जल शक्ति मिशन के अंतर्गत भारत सरकार एक नई योजना लाई है, हर घर नल हर घर जल। समझिएगा, हर घर नल हर घर जल। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 2024 तक, ये डेट याद रखिएगा, 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप्ड वाटर सप्लाई करेगी। पाइपों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार हर घर नल और हर घर जल, हर घर नल और हर घर जल योजना के अंतर्गत सभी को घरों में ही वाटर सप्लाई करने की प्लानिंग है। 2024 तक पूरे भारत भर में इसे कवर कर दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जल शक्ति मिशन के अंतर्गत हर घर नल हर घर जल, जिसमें 2024 तक पाइप्ड वाटर सप्लाई किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है भारत में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान। इस वित्तीय वर्ष में भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है आपका 283.40 करोड़ टन। ठीक, 283.40 करोड़ टन के आपके खाद्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, ई वाहनों, भारत सरकार आपके ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई व्यक्ति ई वाहन खरीदता है या ई रिक्शा खरीदता है तो आपके ई वाहनों के खरीदी पर जो पहले जो जीएसटी दर था वो 12% था, उसे कम करके कर दिया गया है 5%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ई वाहनों पर वर्तमान जीएसटी दर कितना है, 5% है। नेक्स्ट है आपके स्फूर्ति योजना। इस स्फूर्ति योजना के अंतर्गत, स्फूर्ति योजना क्या होता है, स्फूर्ति योजना का फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ दी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट। समझिएगा, स्फूर्ति योजना, ये जो स्फूर्ति योजना, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जो परंपरागत परंपरागत व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए इस स्फूर्ति योजना की शुरुआत भारत सरकार ने बहुत पहले की थी। लेकिन इस स्फूर्ति योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में जो मेन टारगेट रहेगा वो बांस आधारित उद्योग, शहद आधारित उद्योग और खादी आधारित उद्योग पर रहेगा। तो याद रखिएगा, इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने बांस, शहद और खादी को मेन टारगेट किया है और इसी बांस, शहद और खादी आधारित उद्योगों पर 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा स्फूर्ति योजना के अंतर्गत इस बार मेन टारगेटेड है आपका बांस, शहद और आपका खादी। नेक्स्ट, भारत सरकार इस वित्तीय वर्ष में भारत के 17 ऐसे पर्यटन स्थलों का चयन करेगी जिसे भारत सरकार विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करेगी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत सरकार 17 पर्यटन स्थलों का चयन करने वाली है जिसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किए जाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा इस बजट में किया गया है। अब समझिए, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, गर्भवती महिलाएं, देखिए ऐसी महिलाएं जो काम करती है, जो किसी न किसी जॉब में है या किसी भारत सरकार की किसी अन्य योजनाओं के अंतर्गत काम करी, जैसे मनरेगा के अंतर्गत समझ लीजिए, ठीक, या कोई आपके एक प्राइवेट सेक्टर में भी यदि कोई महिलाएं काम करती है तो ऐसी महिलाएं या गर्भवती महिलाओं को काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को भारत सरकार के द्वारा देखिए 26 सप्ताह का अवकाश दिया जाएगा तथा इस अवकाश की अवधि में भारत सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 26 सप्ताह का जो अवकाश मिलेगा उसमें उनको कोई इनकम तो होगा नहीं, इनकम का कुछ परसेंट दिया जाने का प्रावधान तो भारत सरकार के द्वारा पहले भी किया गया था, लेकिन इस जो आपके 26 सप्ताह का अवकाश है उसमें जो वित्तीय सहायता है वो भारत सरकार उस गर्भवती महिला को प्रदान करेगी। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, काम करने वाली महिलाओं के लिए है यह योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जो कि गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह का अवकाश तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने
के लिए लाया गया है। नेक्स्ट है आपका ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, ये फिलहाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, जो इनकम टैक्स भरते हैं तो उन लोगों को एक आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरना पड़ता है। तो पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने के लिए आपका पैन कार्ड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब से भारत सरकार ने घोषणा की है कि पैन कार्ड के स्थान पर आप आधार कार्ड भी उपयोग में ला सकते हैं। पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों को एक्सचेंजेबल बना दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने के लिए आप पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। भारत सरकार ने इस बार एक अलग से आयोग बनाने की घोषणा की है जिसका नाम है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, जो कि गौवंशीय जो आपके जैसे गाय हो गए गाय से जो दूध बनता है, दूध मतलब एक उत्पादकता, दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने आपके राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन किए जाने की घोषणा की गई थी। प्रश्न यदि पूछा गया गौवंशीय जो जानवर है उससे संबंधित किस आयोग का गठन किया जाएगा, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय गौ सेवा आयोग, राष्ट्रीय गोकुल आयोग, ऐसे तीन चार प्रश्न आए तो याद रखिएगा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की घोषणा भारत सरकार ने की है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार के द्वारा भारत के सभी ग्रामों को आपका बारामासी सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया था। बारामासी डामरीकृत सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसका टारगेट डिसाइड किया गया था कि भारत के जितने भी ग्राम हैं उन्हें 2022 तक आपके बारामासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। लेकिन समझिएगा ये जो 2022 तक का जो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा था उससे भारत सरकार ने अब उस निर्धारित लक्ष्य को काफ़ी पहले ला लिया है। मतलब 2022 का जो लक्ष्य था उसे भारत सरकार ने अब 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य कर लिया, यानी प्रीपोन्ड कर दिया है। समझिए 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन आप सभी को मालूम है कि अभी बीच में भी जो आंकड़े आए थे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 97% आपके जो ग्राम है वो बारामासी सड़कों से जुड़ चुके हैं, 3% अभी भी बाकी है। तो जो निर्धारित लक्ष्य है वो काफी पहले ही यानी इसी वित्तीय वर्ष में हम अचीव कर लेंगे, इसलिए भारत सरकार ने 2022 के लक्ष्य को प्रीपोन करके 2019 कर दिया है। यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इसी 2019 में सभी के सभी ग्रामों को आपका बारामासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो में भी थोड़ा लंबा बना होगा, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं बजट को एक बार में कवर करना था। इस बजट में एक तो ये जो आंकड़े हैं यहाँ से सरकार का पैसा आया, ब्याज सब्सिडी, ये इंपॉर्टेंट है, ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, ये योजनाओं को सब कवर कीजिएगा, और ये जो सिंगल वन लाइनर जो चीज़ें बताई है ये प्रमुख बजट में की गई, जो मुख्य बिंदु में जो आपकी निर्मला सीतारमण के द्वारा जो मुख्य घोषणाएँ की गई थी वो सारे के सारे आपके यहाँ पर मैंने बताए हैं। ठीक, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है कि आपकी छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वर्ल्ड बैंकिंग के अनुसार सातवीं है। जबकि उस समय देखिए वर्ल्ड बैंक के आंकड़े आए थे आपके अगस्त में, जबकि बजट आया था आपकी जुलाई में, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न के आधार पर आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है आज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो कल आएगा। रैंकिंग फैसिलिटी की भी हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि रैंकिंग, लेकिन उसमें आप लोगों की कुछ हेल्प चाहिए रहेगी, कल के वीडियो में आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।